हेलो फ्रेंड्स, मैं अमिता। मेरे यूट्यूब चैनल अमिताज किचन कुछ मीठा कुछ नमकीन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, विंटर सीजन आ गया तो साथ साथ बहुत सारे साग भी आने लगे हैं, और साग का तो अपना ही मज़ा होता है खाने का। एक तो हेल्दी टेस्टी, और ऊपर से पालक पनीर, तो वो तो घर में सभी का फेवरेट होता है। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पालक पनीर की रेसिपी, जो बनानी भी आसान है और टेस्टी तो होता ही है पालक पनीर। तो चलिए अब हम पालक पनीर बनाना शुरू करते हैं। पालक पनीर बनाने के लिए देखिए, सबसे पहले मैंने पालक ले ली थी, हाफ के जी अराउंड पालक है। इसको 3 बार कम से कम पानी से धो लीजिए, क्योंकि इसमें मिट्टी बहुत होती है। मैंने पानी से निकाल लिया है, इसका पानी स्ट्रेन कर लिया है अच्छे से। और उसके साथ मैंने लिया है देखिए 2 हरी मिर्चें, 2 ग्रीन चिलीज ली हैं, और इसके बाद मैंने लिया, मेरी गड्ढी धनिया की बहुत बड़ी थी तो आधा गड्ढी धनिया लिया है। धनिया डालने का रीज़न ये है कि इससे पता है क्या होता है कि पालक का कलर थोड़ा सा अच्छा आता है पालक पनीर में, और अगर नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मत डालिए। और मिर्चें तो देखिए, इसमें अदरक और हरी मिर्च का जो फ्लेवर आता है ना पालक पनीर में, सारा मज़ा उसी का होता है। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने इसको, पालक को गर्म पानी से निकालना है, उबालना नहीं है, सबसे बड़ा पॉइंट ये है। तो चलिए अब हम इसको गर्म पानी से निकाल लेते हैं पालक को। देखिए, मैंने पैन में पानी गर्म करने रख दिया, और पानी लगभग हमारा गर्म हो गया है। मैंने इसको 5 मिनट अराउंड गर्म कर लिया है, बस इसमें उबाला आना बचा है, उतना बचा है, अच्छा खासा गर्म हो गया है। तो इस टाइम पे मैं ये जो पालक है, सबसे पहले तो देखिए ग्रीन चिलीज डाल देती हूँ इसमें, दूसरी तो अंदर छुप गई कहीं पालक के। ये चलिए, ये मैं थोड़ा थोड़ा ये पालक डाल दूंगी इसमें, थोड़ी थोड़ी पालक। ये देखिए पानी आपको दिख रहा होगा कितना गर्म है, धुआं निकल रहा है। इसमें दबा देंगे इस तरीके से पालक को, और 1 मिनट के लिए छोड़ देंगे दबा के। देखिए, मैं पालक लेती हूँ ना तो इसकी थोड़ी थोड़ी डंडी भी लेती हूँ नीचे से, केवल पत्ते नहीं लेती हूँ। ये दिख रहा होगा आपको, जो अगर सॉफ्ट है तो मुलायम, आजकल पालक साग बिल्कुल फ्रेश आ रहा है, ताज़ा आ रहा है, तो मैं उसकी डंडी भी थोड़ी सी लेती हूँ। इसको हमने 1 मिनट के लिए पानी में रख के छोड़ना है, ज़्यादा नहीं करना है इसको, और निकालना है फटाफट। इस तरीके से हमने इसको कर दिया गरम पानी में, 1 मिनट के लिए इसको हम छोड़ते हैं, फिर दूसरा सेकेंड लॉट में आ जाएगा। देखिए, थोड़ी सी पालक नीचे बैठती जा रही है, तो मैं बाद में ये ऊपर की सारी अपनी बची हुई भी डाली जा रही हूँ, जिससे कि ये एक ही बार में हो जाएगा अच्छे से। इस तरीके से मैं अपनी बची हुई पालक भी डाल लेती हूँ इसमें। देखिए, मेरी सारी पालक डल गई है इसमें, ये। अब इस तरीके से इसको दबा देंगे, ये देखिए, इसको पूरा 1 मिनट हम कर लेते हैं, और उसके बाद चलिए हम इसको चेक करते हैं। देखिए, 1 मिनट हो गया, ये देखिए पालक हो गई है लगभग, थोड़ा सा बचा है इसमें। इस टाइम पे हम डाल देंगे ये बचा हुआ, ये जो देखिए धनिया था ना, अब डालेंगे, लास्ट में डालना है हमने धनिया को। अब इसको धनिया डाल के हम 30 सेकेंड्स और कर लेंगे इसको धनिया के साथ। देखिए, हमारी पालक हो गई है, इसको 1.5 से 2 मिनट लगेगा मैक्सिमम, 2 मिनट से ज़्यादा नहीं। अब इसके बाद हम गैस बंद कर देंगे। अब ये जो पालक है, इसको किसी बड़े स्ट्रेनर में या किसी चीज़ में फटाफट हम इसको निकाल लेंगे। इस तरीके से देखिए हम फटाफट निकाल लेते हैं सारा। से पानी इसका देखिए छनता जाएगा नीचे, और इस तरीके से चलिए हम सारी निकाल लेते हैं अपनी पालक, जिससे उसके बाद उसको हमें फटाफट ठंडे पानी से धोना है। ये पालक है, अभी ये गर्म है, इसको हमने पकने नहीं देना। अगर ये इतनी गर्म पालक है, अपने टेम्परेचर से और पकती रहेगी और इसका कलर भी बढ़िया नहीं रह जाएगा। तो इसके लिए अब ये देखिए, फ्रिज से मैंने एक बॉटल ली है ठंडे पानी की, और इसके ऊपर फटाफट इस तरीके से डाल देंगे कि ये हमारी पालक ठंडी हो जाए बिल्कुल इस तरीके से। ये देखिए,
ये मैंने पानी डाल के 2 मिनट के लिए इसको चलिए छोड़ देते हैं। कि हमारी पालक को हमने ठंडे पानी में डाल दिया है, फ्रिज से निकला हुआ ठंडा ठंडा पानी है। ये देखिए ये पालक अभी ही ठंडी हो गई है, इसलिए अब इसको ठंडा कर लिए। चलिए अब इसको हम निकाल लेते हैं। इसके बाद देखिए पालक बिल्कुल हमारी ठंडी हो गई थी फटाफट ठंडा पानी डालते ही। इसके बाद देखिए मैंने इसका सारा पानी निकाल लिया है। अब इसको हमने करना क्या है, इसके बाद मिक्सर ग्राइंडर में मैं पीसूंगी। बहुत महीन नहीं पीसना, पर मैं थोड़ा सा मिक्सर ग्राइंडर में ही चलाती हूँ, कई लोग नहीं कराते हैं, हाथ से ही कर लेते हैं इसको पालक को। एक पालक पनीर वैसे भी बनती है काट के, वो भी मैं आपको बताऊंगी, बहुत अच्छी लगती है वो भी। तो चलिए इसको हम मिक्सर ग्राइंडर में पीस लेते हैं, उसके बाद हम पालक पनीर बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने पालक को पीस लिए, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए बहुत महीन नहीं पीसी है, पर फिर भी ये देखिए मैंने पालक को पीस ली है। अब इसको चलिए अब हम फाइनली अब हम शुरू करते हैं पालक पनीर बनाना। अब सब कुछ हमारी तैयारी हो गई है और इसके बाद चलिए अब हम इसका मसाला बनाते हैं। देखिए पालक पनीर बनाने के लिए मैंने सबसे पहले पैन ले लिया है, इसमें हम डालेंगे 1 स्पून भर के देसी घी। देखिए पालक पनीर है तो देसी घी में ही बनेगी, बड़ा स्पून भर के, यही स्पून भर के मैंने घी का डाला है। ये जब तक घी मेल्ट हो रहा है, इसमें देखिए मैंने एक बड़ा प्याज, आप इसको चाहे तो लंबा लंबा भी काट सकते हैं, छोटा छोटा भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिस तरीके से भी आप कटा हुआ हो। बहुत बड़े साइज का एक प्याज था, छोटे हैं तो 2 अनियन डाल दीजिएगा। इसको हम अच्छे से कर लेते हैं। इसको हमने देखिए बिल्कुल डार्क ब्राउन गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, पालक पनीर में यही चीज है कि प्याज और टमाटर को हमने ज़्यादा नहीं भूनना है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें कितना करना है। इसको चलिए अब हम पहले हल्का सा ट्रांसपेरेंट हो जाए प्याज, उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे करना है। देखिए प्याज देखिए ट्रांसपेरेंट होने लगा, इस टाइम पे मैं अदरक डालूंगी 1 इंच। आप किस तरीके से महीन काटना चाहते हैं, ये देखिए मैंने इस तरीके से लंबा लंबा काटा है। अदरक डाल देंगे इसमें। हरी मिर्च मैं अभी नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी पीसते समय डाल चुकी हूँ 2 हरी मिर्चें, एक बाद में हम डालेंगे इसको। अभी हम 30 सेकेंड्स प्याज को और कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं, केवल 30 सेकेंड्स और करेंगे। देखिए प्याज लगभग हमारे बिल्कुल हो गए हैं। अब इस टाइम पे हम इसमें डालेंगे 1 स्पून सॉल्ट, वैसे सॉल्ट टू टेस्ट है आपको पता है, रेड चिली पाउडर 1/2 टीस्पून और कश्मीरी लाल मिर्च 1/2 टीस्पून। और हमने इसमें कुछ नहीं डालना, इसको मिर्चे को हल्का सा मसाले में कर लेना है। देखिए प्याज हमने बिल्कुल भी लाइट ब्राउन भी नहीं किए हैं, गोल्डन ब्राउन तो दूर की बात है, क्योंकि इसमें प्याज और टमाटर थोड़े खड़े खड़े और कच्चे अच्छे लगते हैं। और रही लहसुन, आप सोच रहे होंगे मैं लहसुन वैसे मैं पालक पनीर में नहीं डालती हूँ क्योंकि मुझे इसमें अदरक का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, केवल अदरक का। पर अगर मैं आपको बता दूंगी तड़के में करके, अगर लहसुन आप डाल भी रहे हैं ना तो आप तड़के में डालिएगा, उसका अपना ही एक अलग फ्लेवर आता है और अच्छा लगता है, वो मैं आपको अभी बाद में बताऊंगी। ये देखिए इस तरीके से हो गया है, ये देखिए ये कर दिया। अब इसके बाद हम इसको थोड़ा सा मतलब मानिए 1 मिनट के लिए कवर कर देंगे कि टमाटर गल जाए, बस इतना कि 1 मिनट जितना पकाना है इसको कवर करके रखना है। देखिए 1 मिनट हो गया, हम इसको चेक कर लेते हैं। ये देखिए हमारे, ये देखिए देखिए टमाटर गल गए हैं, हमने पूरे अच्छे से गलाने भी नहीं है टमाटर, बस हमारे ये परफेक्ट जो आप देख रहे हैं ना, इस तरीके से आधे कच्चे आधे बिल्कुल मसाला, खड़े खड़े टमाटर, खड़ा खड़ा प्याज थोड़ा सा। इस टाइम पे हम इसमें देखिए ये जो पालक हमने करा था ये हम डाल देते हैं, और इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। ये देखिए, और जब पालक आप पीस रहे थे ना पानी बिल्कुल भी मत डालिएगा, पालक भी अपने आप इजीली पीस जाएगी, उसमें पानी डालने की जरूरत नहीं है। इसको अच्छे से हिला लेंगे,
और इसको हमने अराउंड 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे इसको पकाना है। इसको अभी हम पकने देंगे 2 मिनट के लिए, इसको हम छोड़ देते हैं मीडियम फ्लेम पे, इसको पका लेते हैं। देखिए जब तक पालक उबल रही है ना, तब तक हम पनीर काट लेते हैं। पालक पनीर के लिए मैंने ये 200 ग्राम पैकेट वाला पनीर लिया है। डेयरी वाला मत लीजिएगा, डेयरी वाले पनीर में बहुत पानी होता है, तो उसको आप पालक में डालेंगे तो वो फैलने लग जाता है। अगर ज़्यादा उसको थोड़ा उबालो करो तो इसके लिए कोशिश करिएगा पैकेट वाला ही लीजिएगा। अब आपको किस टाइप से काटना है वो आपके ऊपर है। मैं तो 200 ग्राम पूरा डल जाएगा इसमें। इसके बाद मैं इस तरीके से 2 पीसेस कर लेती हूँ। इस तरीके से हम ये सारा पनीर भी काट लेते हैं। देखिए मेरे पनीर पूरे कट गए हैं। अब इसके 2 तरीके से पनीर डालते हैं। एक तरीका ये होता है कि इसको हल्का सा बटर में फ्राई करके, या कई एक लोग होते हैं ऐसे ही कच्चा ही पनीर इस समय पनीर पालक में डाल देते हैं। तो मैं थोड़ा सा फ्राई करके डाल के बताऊंगी आपको। इस समय कच्चा डालना है आपने, तो आप इसी समय आप पालक जैसे उबल गई है 2 मिनट, तो इस समय 1 मिनट पनीर डाल के उसको 1 मिनट उबाल लीजिएगा। तो चलिए अब हम इसको ये पनीर को फ्राई कर लेते हैं हल्का सा। पालक मेरी उबल रही है, साथ साथ देखिए अब ये मैंने पैन ले लिया नॉनस्टिक। इसमें मैं थोड़ा सा 1/4 टीस्पून मैं डालूंगी इसमें रिफाइंड ऑयल, और इसके साथ डालूंगी ये अमूल बटर। इसको तवे पे पूरा फैला लेंगे अच्छे से, स्लो फ्लेम पे करना है ये सब कुछ। बटर जले नहीं इसलिए हम रिफाइंड डालते हैं। देखिए सारा मेल्ट हो जाए, इसके बाद हम ये पनीर पीसेस जहाँ जहाँ मेल्ट होता जा रहा है वहाँ पर ये पनीर पीसेस डाल देंगे इस तरीके से। इसको फैला लेंगे इस तरीके से। चलिए मैं सारे पीसेस डाल देती हूँ फटाफट। पालक मैंने 5 मिनट उबाल ली थी, अब उसको हम गैस बंद कर देंगे। अब ये पनीर इधर देखिए हो रहा है, एक साइड से हम इसको हल्का सा पिंक टाइप का लाइट ब्राउन कर लेंगे, तभी डला हुआ अच्छा लगता है। अब इसको एक बार ही हम पलट के देख लेंगे कि ये हुआ है कि नहीं हुआ। एक साइड से अभी नहीं हुआ, इसको अभी हम होने देंगे। इसको अभी हम 30 सेकेंड शॉर्ट कर लेते हैं या 1 मिनट देख लेंगे पलट के। एक साइड से लाइट ब्राउन हो जाए पिंक टाइप का तो फिर इसको हम पलटेंगे, दूसरे साइड भी करेंगे। ये अब हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए हमारा हो गया है, ये देखिए। अब हम फटाफट इसको सबको पलट लेते हैं, और दूसरे साइड से भी हमने ऐसा ही करना है। फटाफट करेंगे क्योंकि इससे ज़्यादा होगा तो वो जल जाएगा। इस तरीके से सारे कर लेते हैं हम लोग। देखिए पनीर हमारे एक साइड से कितने अच्छे हो गए। अब इसी तरीके से हम दूसरे साइड पे भी 1 मिनट अराउंड कर लेते हैं, पर इस समय बटर गर्म हो चुका है तो मेरे ख्याल से 1 मिनट पूरा नहीं लगेगा। आप पलट के देख लीजिएगा, और अगर हल्के से पिंक हो गए तो गैस बंद कर दीजिएगा, क्योंकि वो बटर इतना गर्म हुआ कि बाकी का दूसरे साइड से अपने आप पड़े पड़े गर्म बटर में हो ही जाएगा। तो इस समय देखिए मेरा हो गया थोड़ा टाइम, अब मैं भी गैस ऑफ कर देती हूँ 30 सेकेंड्स के बाद, और वो जो गर्म है ना बटर उसमें अपने आप पड़े पड़े ऐसे ही ब्राउन हो जाएंगे ये। चलिए अब उसके बाद हम इसको पालक में डालते हैं। ये देखिए पालक हो गई हमारी, इसकी कंसिस्टेंसी आप चेक कर सकते हैं आपको बाकी कितना करना है। उसके बाद ये जो देखिए ये था ना पनीर बटर समेत, इसमें जो बटर है वो भी हम इसमें ऐसे ही एज ए पीस डाल देंगे। और अगर आपने कच्चा पनीर डालना है तो आप वो इस समय वो कच्चा पनीर डाल दीजिए, उसको फ्राई मत करिए। पर एक बार ऐसे भी करके देखिएगा, बहुत बहुत यम्मी लगता है, थोड़ा सा बटर का फ्लेवर आ जाता है इसमें। ये देखिए ये है। अब इसको हमने पनीर को सॉफ्ट करने के लिए इसमें जिस समय आपके गेस्ट आ रहे हो, अब 2 बच्चे हैं 2 काम, या आप घर में जिस समय खाने लगे इसको एज इट इज छोड़ दीजिए। जब खाना हो उससे 5 मिनट पहले गैस ऑन कर दीजिए और इसको
कर दीजिए। मैंने गैस ऑन कर दी है, मैंने तो आपको सर्व करके दिखाना है। इसको मैं मुश्किल से देखिएगा 2 मिनट पनीर के साथ पालक को पका लेती हूँ, ज़्यादा नहीं पकाना है, बस 2 मिनट के लिए इसको पका लेती हूँ। उसके बाद फाइनल इसमें लगाते हैं चलिए तड़का, तो फाइनल इसकी प्रिपरेशन करते हैं। चलिए मैं तड़के की तैयारी करती हूँ, तब तक जब तक ये 2 मिनट पक जाता है। देखिए मेरा पालक पनीर बिल्कुल रेडी हो गया है। इसको मैं किसी बाउल में निकाल लेती हूँ जिसमें आपको सर्व करना हो, उसके बाद हम ऊपर से डालेंगे तड़का। तो चलिए मैं साथ साथ तड़का बना लेती हूँ, इसको मैं पीछे कर देती हूँ। ये देखिए तड़का बनाने के लिए ये देखिए मैंने लिया है एक पैन, ले लेंगे तड़के के लिए और इसमें डालेंगे 1 टीस्पून अराउंड घी डालेंगे, देसी घी। इसको अच्छे से गर्म करना है घी को, घी अच्छे से गर्म होना चाहिए। अभी मैंने हाई फ्लेम पे ही किया हुआ है घी को। इसमें डालूंगी मैं सबसे पहले एक साबुत मिर्च है लाल, उसको तोड़ लिया मैंने 2 टुकड़ों में। इसको हमने थोड़ा सा जलाना है, इसका फ्लेवर देना है साथ में। और उसके बाद मैंने डालना है, मैंने 4 से 5 ये गार्लिक क्लोव्स थी, ये छोटी छोटी काटी हुई है, आपको बता दिया ना। अगर आपको लहसुन खाना है तो आप गैस को स्लो कर दीजिएगा, अगर आपको लहसुन खाना है तो आप इस तरीके से डालिएगा ऊपर से तड़के में, बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए मिर्च और लहसुन को हम कर रहे हैं। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे ये देखिए 1 इंच अराउंड 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा है, ये जिस शेप में आप काटना चाहें ये अब हम ऊपर से भी डालेंगे। इसके बाद हमने डालना है ये मैंने डाली है 2 ग्रीन चिली, बहुत तीखी हो आपकी हरी मिर्च तो आप 1 डाल लीजिएगा। अब हमने इसको अच्छे से करना है, भूनना है अच्छे से तड़के को। लाल मिर्च और लहसुन अच्छे से हो जाए, लहसुन का कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया है। ये देखिए इसको तो देखिए आपने खड़े होके ही तड़का करना है, छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, आप छोड़ेंगे तो बिल्कुल। ये देखिए बिल्कुल मेरा हो गया, ये देखिए लहसुन आप देखिए हो गया है, बंद कर दीजिए गैस। मिर्चें भी भून गई हैं, अब इस टाइम पे हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, बस ये हमारा बन गया तड़का। ये तड़का हम आप चाहे तो बना के रख लीजिए पहले, जब सर्व करना हो पालक पनीर को बाउल में डाल के रखिए और ऊपर से ये तड़का डालिए गरम करके, फिर देखिए पालक पनीर खाइए मज़ा आ जाएगा। चलिए अब हम इसको सर्व करते हैं, पहले बाउल में डाल लेते हैं पालक पनीर को। देखिए हमारा पालक पनीर बिल्कुल रेडी हो गया है, बस बचा है तड़का, तो अब हम ऊपर से ये इसमें डाल देंगे ये तड़का, फैला के डाल देंगे। अगर आप लहसुन नहीं खाते तो इस संग तड़के में आप लहसुन स्किप कर सकते हैं। देखिए ये हमारा पालक पनीर बिल्कुल खाने के लिए रेडी हो गया है, इसको बनाइए और बताइएगा कि आप लोगों का कैसा बना। अगर ये पालक पनीर की रेसिपी बहुत ही आसान है और बनती भी बहुत ही टेस्टी है, और पालक पनीर तो वैसे भी घर में सबका ही फेवरेट होता है, बच्चे बड़े सब बहुत शौक से खाते हैं, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और आपकी कैसी बनी ये मुझे ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ प्लीज़ 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 ज़रूर शेयर करिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि आप अगर शेयर करेंगे तभी मेरे वीडियोस को देखने वाले बताने वाले बढ़ेंगे। तो और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो भी फटाफट कर डालिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।